छी अग्निश महादेव जी, आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूँ। बात करें पंचायत के दौरे में तो लगातार उम्मीदवार यात्रा की ओर निकले हुए हैं और जनसंपर्क अभियान उनका तेज हो गया है। जैसे जैसे चुनाव की घड़ी आ रही है, जनताओं के बीच लगातार अपने अपने लुभावने वादों को व अपने कामों को लेकर, विचारों को लेकर जनताओं के बीच जाने का काम कर रहे हैं। अभी हम उत्तर महार पंचायत में खड़े हैं और ये मदुरा गाँव है। मदुरा गाँव से यहाँ पर निवर्तमान मुखिया जो मोहम्मद मिराज जी हैं, वो जनसंपर्क अभियान में निकले हुए हैं। इनका जो जत्था है, यह जत्था देख रहे हैं कि सौरी पंचायत हो गया, बस घुसका हो गया, थान हो गया, अन्य सभी गाँव की और ये रुख करेंगे और जनताओं के बीच अपार समर्थन के साथ ये लगातार क्षेत्रों में जा रहे हैं। इनके इनसे हम अब वार्तालाप करेंगे कि आज किन किन ये क्षेत्रों में जा रहे हैं और जनताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं। आज हम उत्तर महार पंचायत के वार्ड नंबर 1, 2 और 3 जो छमसिया, बुजघसका, बेतहा, सारो, कमा स्थान सभी क्षेत्र का भ्रमण करेंगे। उसके बाद वार्ड नंबर 4 जो बलोर, वार्ड नंबर 5 बलोर, वार्ड नंबर 6 मुरकाही और सिमराहा जिसको मुरकाही थाना के नाम से जानते हैं, उसके वार्ड नंबर 7, वार्ड नंबर 8 इसका हम लोग आज भ्रमण करेंगे। जो जनता हमारे वार्ड नंबर ये जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 का जनता से हम आज संवाद करेंगे। आगामी चुनाव के ही समय में दीपावली का मौसम है, जनताओं को दीपावली व छठ के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हम जनता को यही संदेश देना चाहते हैं कि छठ पर्व साल में एक बार आता है, दीपावली सब खुशी से मनावे, आपस में भाईचारे की तरह मनावे, हिंदू मुस्लिम मिल करके मनावे। जिस तरह से हमारे बीच एक जो भाईचारा का मिसाइल काम कायम हुए, जिससे हमारे पंचायत का एक पहचान हुए, उत्तर महार पंचायत में हिंदू मुस्लिम एकता के साथ रहते हैं और भाईचारा के साथ सभी त्यौहार, या हिंदू हो या मुस्लिम के त्यौहार हो, सभी को एक साथ मिल करके मनाते हैं। खास करके मतदान के लिए, खास करके महिलाओं और बुजुर्गों को मतदान के लिए, युवाओं को मतदान के लिए कितना आगे आना चाहिए, एक एक वोट कीमती है, उसके बारे में उनको सजग होना चाहिए, एक भी मतदान छूटे नहीं, इसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप जनता? हम पंचायत के, उत्तर महार पंचायत के सभी युवा से मेरा अनुरोध है कि वो अपने बूथ के और जो माता और बहने हैं, जो बूढ़े हैं, उनको लेकर के बूथ पर जाएं और उत्साह के साथ, खुशी के साथ, जैसे त्यौहार मनाते हैं, इस तरह से मतदान करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो और हमारे जो पंचायत के सच्चे सिपाही जो जिनको आप चुनेंगे उनको ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, जो कि आगे आप 5 साल देखे हुए हैं, जो आपके साथ सही तरह से काम किया है, वैसे व्यक्ति को आप चुन करके लाएँ, फिर आपका पंचायत खुशहाल रहेगा और स्वच्छ रहेगा, और स्वच्छ पंचायत जरूर होगा जब आप लोग अच्छे आदमी को चुन करके पंचायत